हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं हूं मनोज सिंह। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आप लोग आज नया वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टॉपिक है बेड मेकिंग। दोस्तों जैसे कि हमको बेड मेकिंग के लिए सबसे हमको जरूरत पड़ती है बेड फ्रेम की। ये हमारा बेड फ्रेम है। और उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है मैट्रेस। ये हमारा मैट्रेस है। ये हमारा किंग साइज मैट्रेस है, डबल मैट्रेस है। और ये मैट्रेस हमारा स्प्रिंग मैट्रेस है। और दोस्तों मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मैट्रेस होता है उसको हम 3 महीने में रोटेट कराते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून, ऐसे राउंड कराते हैं जो कि मैट्रेस डैमेज ना हो। और उसको ऊपर हम हर 3 महीने में रोटेट कराते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा मैट्रेस प्रोटेक्ट है। ये मैट्रेस प्रोटेक्ट इसलिए लगाए थे कि जो बेड के ऊपर थोड़ा हार्डनेस है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसमें क्या थोड़ा उसको सॉफ्ट लगे, इसलिए हम मैट्रेस प्रोटेक्ट लगाते हैं। सही करूँगा उसको। लगा दिया है, आपको दिख रहा थोड़ा बेड इस अभी सॉफ्ट दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बेड से बिछा रहा हूं। जैसे कि हम अभी बेडशीट पूरा अटक कर दिया है, आपको लग रहा है पूरा बेडशीट बिछ गया है। अब हम लाएंगे डू इट। हम आपको दिखाएंगे कि डुबेट कवर इजीली कैसे हम लगाते हैं। आप देखिए मेरे प्रोसेस में, जैसे पहले डुबेट को ऐसे पूरा बिछा, डुबेट को बिछा दिया है और हम खोलेंगे डुबेट कवर। ऐसे डुबेट के अंदर हाथ डाल के दोनों कॉर्नर में, और यहाँ से डुबेट के दो कॉर्नर पकड़ के हम ऐसे इसको करेंगे, इसको यहाँ से खींचो। जैसे कि आपको दिख रहा हो मैंने पूरा डुबेट को लगा दिया, पूरा डुबेट छट कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा डुबेट को टक कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से डुबेट को फोल्ड किया है, इसको बोलते हैं हेड फोल्ड। आपको दिख रहा है अलग अलग होटल में डिफरेंट टाइप के आपको फोल्ड देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो फोल्ड करते हैं हेड फोल्ड हम 8 इंच का होता है, तो इसको दो बार फोल्ड करते हैं। हम यहाँ से इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे बुक फोल्ड में टक कर सकते हैं, और हम यहाँ से इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम हमारे यहाँ जो प्रोसेस है, हम उसको यहाँ पे ऐसे दोबारा टक करते हैं। और इसको बोलते हैं मैत्रे फोल्ड या इनवॉल्व फोल्ड बोलते हैं इसको। इस फोल्ड को मैत्रे फोल्ड या इनवॉल्व फोल्ड या हॉस्पिटलिटी फोल्ड इसको बोलते हैं, टक को बोल यहाँ बोलते हैं। जैसे कि हमारा बेड रनर है, आप सबको पता होगा, इसको हम बिछाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने बेड रनर बिछा दिया है। बेड रनर का जो काम होता है, एक तो बेड को अच्छा लुक देता है, बेड को एकदम बेड उसे अच्छा लगता है। सेकेंड थिंग, जब भी गेस्ट कभी आता है और गेस्ट ने कभी खाना खा लिया है, कुछ भी चीज रख लिया है बेड पे, इसको ऊपर रहेगा तो क्या हमारा जो बेड, हमारा जो डुबेट का वाला जो बेड है वो सेफ हो जाएगा, इसमें ज्यादा गंदा नहीं होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारा बेड रेडी हो चुका है। और फिर से आपको बताना चाहूंगा कि बेड मेकिंग के लिए सबसे पहले हमको एक बेड फ्रेम की जरूरत पड़ती है, फिर मैट्रेस, फिर हमारे लिए मैट्रेस प्रोटेक्टर, फिर बेड शीट, और फिर डुबेट, फिर डुबेट कवर, फिर हमारा बेड रनर, फिर हमारा आता है कुशन, कुशन कवर, पिलो, पिलो कवर, और इसको आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमने फोल्ड किए हैं इसको बोलते हैं मैत्रे फोल्ड, जो यहाँ पे दिख रहा है इसको मैत्रे फोल्ड बोलते हैं, या इसको हॉस्पिटलिटी फोल्ड भी बोलते हैं, और वो हमारा हेड फोल्ड हो गया है। और आई होप आपको हमारा जो बेड मेकिंग है अच्छा लगा होगा, हमारा जो बेड मेकिंग करने का प्रोसेस है वो आपको अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर मनोज सिंह नेगी।